तो दोस्तों लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है। लहसुन हमें लगेगा करीबन 8 से 10 कली जो कि छिली हुई रहेगी। टमाटर एक, ग्रीन चिली जो कि मैंने 2 ली है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से 3 या 4 कर सकते हैं। मैं जब तड़का लगाऊंगा उस टाइमिंग में जो है इसमें रेड चिली ऐड करूंगा, इस वजह से मैंने 2 ग्रीन चिली ली है। तो दोस्तों अब इन तीनों चीज़ों का हमें जो है मिक्सर में ग्राइंड करना है, तो आइए करते हैं। जो इन तीनों चीज़ों को चॉप करके इसमें डाल दिया है। आप जो ग्रीन चिली की जगह है रेड जो मिर्ची आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। खड़ी मिर्च जो लाल आती है उससे और लाल तीखापन आ जाएगा। अब इन सबको तीनों को जो है मिक्स कर लेना हमें हल्का सा पानी डालकर। थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा उसमें, लास्ट टाइम पूरा। देखिए अब ये जो है पूरी तरह बारीक हो चुकी है, एकदम पिसा जा चुका है। अब इसमें जो है हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है मैं आपको बता देता हूँ। रखने के बाद जो है 2 टेबल स्पून जो है वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिएगा, सफिशेंट रहेगा 2 टेबल स्पून। अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है तेल गर्म होने दीजिएगा। जैसे तेल गर्म हो जाता है अब जो इसमें जीरा डाल दीजिएगा। जैसे ही जीरा हो जाता है आप उसमें जो है चुटकी भर के जो है हींग डाल दीजिएगा। उसमें जो है 2 चम्मच जो है रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा। दो से तीन चम्मच आप डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। उसका जो अपन ने पेस्ट तैयार करा है उसे आप कढ़ाई में डाल दीजिएगा। तो इसे करछी की सहायता से जो है और जो है टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं इसमें। अब जो इसको जो है स्टर करते रहिए। ये थोड़ा सा हमने पानी ऐड करा है ताकि इसको जो है हल्के थोड़ी देर तक हम होने देंगे लो फ्लेम पे। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा इस चटनी की, ये चटनी जो है आप दाल बाटी के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। स्पेशली दाल बाटी के साथ जो है ये चटनी बनाई जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप दाल बाटी बनाए तो ये चटनी बना के जरूर टेस्ट कीजिए, काफ़ी पसंद है। ये लहसुन की चटनी फेमस भी बहुत है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी वैसे वैसे और लाल होती जाएगी। ये देखिए ये जो है चटनी अब रेडी हो चुकी है। उसको हमने जो है सीम आंच पे 5 से 7 मिनट होने दिया जिससे ये जो चटनी रिड्यूस हो चुकी है। अब जो इसे हम गार्निशिंग के लिए जो है निकालते हैं।